मैं बनाने वाली हूँ टेंट, टेंट क्योंकि मैं शायद फ्राइडे थर्सडे को मैं शायद चली जाऊंगी यहाँ से। तो आज हम अपना एंजॉय करेंगे, सुबह से लेके शाम तक टेंट में रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरा की दुनिया। ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। सामने भी बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। और ये देखिए बादल फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती कितनी गर्मी है। और इतने दिनों के बाद आज ये मौसम देखकर बहुत खुशी हो रही है। आशी और अतीफा सो रहे हैं, नहीं तो अभी वो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर होते हैं। बस अब बारिश हो जाए। नहीं, किसी ने बलून उड़ाया है। और ये है मेरे साथ शान। फाइनली बारिश हो गई। अरे वाह, अभी वाह, अभी ना अभी नहीं थी, अभी वही थी, मैं अभी भी बारिश हो रही थी। अरे आप देखिए ना, बारिश हो रही थी। इतना ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है ना पानी। ऐसी बारिश, ये देखिए बारिश हो गई है खत्म और ये लोग भीग गए हैं। शांत भीग, अतीफा देखिए पूरा भीग गई है, देखते हैं। शाम के बज रहे हैं 7:20 और अभी मैं खा रही हूँ समोसा विद चटनी। ये बच्चे लोग देख रहे हैं टीवी। कौन सी मूवी देख रहे हो तुम लोग? ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आप लोग मुझे तो बहुत। ये यहाँ बैठे हैं जिनको पसंद नहीं आ रही, इन्हें चाहिए एकदम बहुत मारपीट वाला मूवी। और सुपरमैन, और क्योंकि ये लड़कियों वाली मूवी है ना, गर्ल्स वाली मूवी है, इसलिए सुपरमैन और स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और ये देखिए बारिश हो रही है। शान झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। अरे अतीफा, हाँ जी, पोछा लगा रही है, खेलने के लिए लगा रही है। और अतीफा तुम क्या कर रही हो? अरे धीरे लगा, मुझे छींक आ रही है। तुम क्या कर रही हो अतीफा? ये सब जो सामान उमान है ना, ये सामान वगैरह हटा रही है। लड़कियों वाले घर में नहीं, शान नहीं, बहुत ही अच्छे जॉब पे आशी। हवा खुशबू के पीछे आ रही मिट्टी की। क्या अच्छी अच्छी क्या कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। मिट्टी की खुशबू अच्छी लग रही है। देखो ये लोग मिट्टी से, माटी से जुड़ी हुई इंसान है। हेलो गाइस, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कबाड़ ऐसा बना रखा है। हाँ? तो आज बता दूं, आज ना कोई कुकिंग वीडियोस आएंगे, ना कहीं जाएंगे। और आप सोच रहे तो फिर क्या करें? आज मैं बनाने वाली हूँ टेंट,
थैंक यू कि मैं शायद फ्राइडे थर्सडे को मैं शायद चली जाऊंगी यहाँ से। तो आज हम अपना एंजॉय करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक टेंट में रहेंगे। और हाँ, कहानी में एक ट्विस्ट भी है कि सो सबसे ज्यादा बाहर निकलेगा वॉशरूम जाने के लिए या किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज के लिए ज्यादा बाहर निकलेगा वो, तो वो आउट हो जाएगा। जो कम बाहर निकलेगा वो विनर होगा। हाँ, वो आउट नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बाहर निकलेगा वो हम लास्ट में बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा बाहर निकला और कौन विनर है, कौन टेंट में ज्यादा देर रुका है। अभी मैं ये देखिए, आप सेम कलर के लिए मैंने मामी से बहुत जल्दा जगह के लिए लिया है। तो ये मैंने दो कलर का कर्टन टाइप का लिया है, यहाँ से हम ये बनाएंगे ऐसे इस टाइप से। चलो शान, इन लोगों की हेल्प करो। तुम हंसरे बैठ के सीधे सर मारे। कोशिश कर रहे हैं टेंट को इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा जो हम अभी टेंट में इसे लगाएंगे। ये है और यहाँ ये है, इसे हम अभी टेंट में चिपकाएंगे। तो ये है हमारे टेंट का फाइनल लुक। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, प्लीज एक लाइक दे देना। और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ये देखिए ये अंदर का है, ये भुजी भुजी भी हमने लगा है। ये मुझे मेरा आइडिया था, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आपको कैसा लगा ये हमारा क्यूट सा टेंट हाउस, अब जरूर कमेंट करना। रंग बिरंगे कपड़े हैं यहाँ, सतरंगी कपड़े। ये सतरंगी टेंट है ना चांद। रेनबो हाउस, वाह क्या बात है, अच्छा नाम दिया। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इन लोगों ने अपने सोने का और बैठने का इंतजाम किया है इस मैट को बिछा कर। आप सोकर दिखाइए आतिफा, आप इस पे कैसे सोएंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग आपसे कल मॉर्निंग में। लेकिन एक बार हम लोग रात का लुक, रात में भी आपको इस टेंट का लुक दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ी लाइट्स भी हमने लगाऊंगी ताकि आपको, कैंडल भी लगाएंगे ताकि आपको एक बार रात का व्यू देख सके। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है रात के लिए। चलो वेट कर, बाय बाय कर दो। हेलो गाइस, तो ये है रात का व्यू हमारे टेंट का, नाइट व्यू है। तो ये कैसा लग रहा है नाइट? हमने यहाँ पे एक ग्लिटर वाला बॉल लगाया है, बलून इसमें आप छोटे 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 ग्लिटर्स हैं। और एक ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, इसमें ये है। और एक ये आर्टिफिशियल कैंडल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। पहले नहीं दिखाया, अभी दिखाया। इसे आपको लगे थे और चार कैंडल मुझे कभी नहीं, चार कैंडल मैंने आपके सामने रखे और एक सबसे ज्यादा रोशनी वाला ऊपर रखा है। यहाँ पे हमने, मैंने आपको पूरा तो नहीं दिखाया था, ये हमारा कर्टन हमने यहाँ लगाया है। और एक ब्लैक एंड पिंक का कोई कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं आपको कल सुबह चैलेंज में। Bye.
हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं कितने बजे? अभी बज गए 9। 9 बजने वाले। अभी दवाई बिठा दी 9 और हमने सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, नहा के रेडी हो गए हैं। अतीफा के वाला भी भीग है। हाँ, अतीफा के वाला तो भी भीग है क्योंकि वो मेरे बाद नहीं है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने कुछ कुछ रखा है अपनी जरूरत की सामान। यहाँ पर मैंने ये आईफिल टावर रखा है और एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे एक डोर भी बनाया है, कर्टन जैसा, ये देखिए। मैंने बांध के रखा है, एक डोर भी मैंने यहाँ पे बनाया है और मेरा छोटा सा टीवी है यहाँ पे, ये देखो। और ये है हमारे क्यूट से BTS और इसका नाम है JK जंगकुक। और यहाँ मैंने रखा है प्यास लगे तो पानी की बोतल और बाबा नीचे भी जाना नहीं पड़ेगा। सही है, मैं जीतूंगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। चलो देखते हैं, देखना ना सबसे ज्यादा कौन बाहर निकलता है। ठीक है, जो अभी भी स्टार्ट है ना। हाँ, अभी स्टार्ट है और जो भी बाहर निकलेगा, यहाँ पे मैं तो रहूंगी नहीं अभी क्योंकि मुझे और भी काम है, तो इसलिए जो भी निकलेगा वो मुझे आवाज दे देगा नीचे, मैं आ जाऊंगी। अगर ये बाहर निकलेगी तो मैं आवाज दूंगी, अगर मैं बाहर निकलूंगी तो ये आवाज देगी। ठीक है, फिर पॉइंट बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं तो कहीं, मेरा तो ध्यान नहीं लगा कि तुम कहीं गई हो, उनको बताना पड़ेगा कि अभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैं बताऊंगी कि आप मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट। मतलब मेरा एक पॉइंट कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी, उसमें हम सुनेंगे ब्लैकपिंक के गाने। तो आपको मैं एक चीज पूछ रही हूँ कि आप ब्लैकपिंक का कौन सा गाना अच्छा लगता है, वो आप कमेंट जरूर करना। तो मुझे तो बुम्बाया बहुत अच्छा लगता है सुनने, तो मैं बुम्बाया लगा देती हूँ ब्लैकपिंक में। हम लोग अंदर पार्टी भी कर सकते हैं। रुको ना, बुम्बाया। और आपकी फेवरेट मेंबर भी कौन है कमेंट जरूर करना। अतीफा ने मुझे आवाज दी है, देखते हैं क्या है। हाँ अतीफा, क्या हुआ बताओ, क्यों बुलाई? वॉशरूम जाना है क्या? हाँ। ओ, इसी के साथ अतीफा के एक पॉइंट कट होते हैं। चलो अतीफा वॉशरूम जाओ। और अभी तक आशी के एक भी पॉइंट नहीं कट हुए हैं, अभी तक आशी इस गेम में बनी है। ठीक है, आकर यहाँ बैठ जाना। ठीक है अतीफा, ओके कोई बात नहीं। चलो फिर मैं नीचे हूँ, अभी फिर किसी को वॉशरूम या किसी भी चीज के लिए नीचे निकलना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अभी मैं जा रही हूं सोने, मुझे नींद है। तुम्हारा फैन क्या हुआ? फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गर्मी है, इन लोगों ने फैन रखा है, हैंड फैन। आप दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है रोज। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 10:23 हो रहे हैं। और आमीन, क्या कर रहे हो? आवाज नहीं जा रही। और अभी आप देखिए मौसम, बारिश होने वाली है। और मैं छत पे इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी दोनों बच्चियाँ टेंट में हैं, आशी और अतीफा टेंट में हैं, तो मैं अगर छत पे गई तो उन लोगों का भी मन करेगा और वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैं छत पे नहीं जा रही हूँ, वो लोग प्रॉपर तरीके से अपना चैलेंज कर सकें। अभी मैं बालकनी में आ गई हूँ, ये देखिए बारिश हो रही है, शुरू हो गई है बारिश। गाइस देखिए, हमारे घर बेघर हो गए, हमारे घर का क्या हाल हुआ, इतनी गंदी बारिश हुई ना, ये देखिए गंदी बारिश हुई कि पूरी बारिश पानी यहाँ पर आ गया। और इन लोगों का घर, हमने जो अंदर मैट बिछाया था वो भी पूरा गीला हो गया। और इसी के साथ ये चैलेंज यहीं पे रद्द होता है। क्या कर सकते हैं अब, तुम्हारा घर ही उजड़ गया, आप क्या करें बताओ। आंधी तूफान और बाढ़ में टेंट हाउस उजड़ गया। अभी ये सूखने में टाइम लगेगा, फिर मैट भी भीग गया, मैट भी सूखने में टाइम लगेगा, बहुत मोटा सूखने में टाइम लगेगा। वो
यहीं छोड़ो, क्या कर सकते हैं, हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी भीग गया थोड़ा थोड़ा, तब बनाएंगे। ठीक है ओके। अब वैसे भी तुम जीत रही थी। मैंने सोचा था कि अब मैं जाने वाली सबसे अच्छा ब्लॉग बनी करना ही। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ और सोचते हैं हम लोग। क्या करें अब। और फ्रेंड्स, ताजुब की बात ये है कि हमारे कर्टन अभी नहीं भींगे और ना ही भींगा। इसका मतलब इधर से नहीं आई है बारिश, ऊपर की साइड से मुझे लगा ऊपर से आई है, सीढ़ी से पानी आ रहा है। सीढ़ी से आई है ना फ्रेंड्स, जहाँ देखिए यहाँ से पानी, इधर से पानी, क्योंकि पानी इस डायरेक्शन में पड़ा था, इस डायरेक्शन में नहीं, ये नीचे इस तरह से पानी इतना आया कि कटोरी बह गया। कोई बात नहीं, चलो क्या हाल, कितना मैंने समय साफ किया था, सजाया। मैं जा रही हूँ नहाने, पूरी भीग चुकी हूँ। ये देखिए इसको कार्टून, ये न्यू मॉडल आती है, ये न्यू मॉडल लतीफा। अब भी देखिए आंख में कितना आंसू आ रहा है, कर लिया आंसू आ रहे आंख में, कर लिया। अब फेक होने से क्या फायदा, तो डूब जाओगे। कोरियन पेड़, कोरियन पेड़ है ये। हाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बता रही है कि ये कोरियन पेड़ है, आप बताइए कि ये कौन सा पेड़ है। कोरियन फ्रेंड्स, ये ग्लोई है, ये दवाई वगैरह और इसका जूस बना के पीने से बहुत फायदा होता है। अच्छा, नहीं पता है, नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। ग्लोई है हमारे यहाँ भी है। इसका आपको पता तो कि आप इसे पीस के रस निकालेंगे तो बहुत होता है कड़वा, बट अच्छा होता है। किस चीज के लिए है? अभी अगर आपको फैट से मतलब फैट, अच्छा फैट वेट कम करने के लिए, फैट वेट, और अगर आपको बीमार है तो मतलब उसमें भी ये काम आता है, जो आपके अंदर बीमारी है, जैसे कि आप फीवर हो रहा है बहुत तेज हो रहा है, जूस बनाने से चमनप्रास अच्छा है। अच्छा, हाँ दीवा, हाँ ये मुंह बना के खाती चमनप्रास। फ्रेंड्स आप बताइए, सच में ये ग्लोई बोल रही है ना, क्या बोल रही है, ग्लोई, ग्लोई का पेड़ है। जो भी आप बताइए कि ये कौन सा पेड़ है, आप कमेंट में बताइए कि ये कौन सा पेड़ है। और चलो अब हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, तो बताओ अतीफा जो भी हुआ हमारे साथ वो, हाँ, जाओ उधर बनाने से तो अच्छा ही था। क्या कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कि आपने देखा कि हमारा घर उजड़ गया है, आशी का आशियाना उजड़ गया है। आंधी तूफान आएगा इसलिए तो मैं कह रही थी, कहीं मैंने आशी के आशियाना के साथ उस घर को बनाया। आशी ने बहुत ही आशियाना के साथ, आशी ने उस आशियाने को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया था। ओ, आप भी झूठ कह रही, मैंने भी हेल्प की थी। हाँ, इसने भी हेल्प की थी, सही बात है, मैंने भी हेल्प की थी, मैंने भी हेल्प की थी अतीफा। तो फिर अब हम इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड, हमारा चैलेंज तो वैसे ही बेकार हो गया। अगर आपको ये अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हीना को सब्सक्राइब करें। लव यू, बाय, लाइक प्लीज।